नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समर्थन में महत्वपूर्ण बयान भी दिया है। और इस रैली में उन्होंने स्पष्ट रूप से ही कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आती है तो पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पाकिस्तान की स्थिति पर भी टिप्पणी की है और ये कहते हुए कि पाकिस्तान अपने लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान में आरटी की कीमत अब 500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लगातार दिया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो लोग कभी राहुल गांधी के रूप में कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है और यही तो है। दरअसल सीएम योगी ने रैली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी को लेकर जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी पर पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है और ये भी जोड़ा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि धारा 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की एक नई संभावनाएं खुलती नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि अब वो इन दोनों दलों का समर्थन करते हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल केवल अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने कार्यों से कश्मीर के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस रैली के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की है, जिसमें देवेंद्र कुमार और मड़ियाल चंद्रप्रकाश गंगा के साथ सुरजीत सिंह और डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के साथ प्रोफेसर धारूराम भगत और राजीव भगत शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो ये केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक बदलाव होने वाला। योगी आदित्यनाथ का ये बयान न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय एकता के मुद्दे पर भी एक गहरा संकेत देता नजर आता। उनकी बातें ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी मुद्दे को एक बार फिर से अपने चुनावी अभियान का केंद्र बना रही है और इसी प्रकार आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए उनका ये दावा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस रैली में निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक धारा को प्रभावित किया है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत संदेश भेजा है कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उतरकर अपने नेता अपने लीडरों के साथ जनता के बीच जाकर चुनाव जीत सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर एक खबर के लिए आप बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।